आज सुबह से हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान साहब के साथ हम लोग सब हमारे AICC के सेक्रेटरी नौजवान हमारे लीडर दिल्ली से अभिषेक दत्त आए हैं, हमारे शेखर अन्ना हैं, आनंद हमारे सीवी रामन नगर के असेंबली कैंडिडेट और शकील भाई, शुजा भाई, हम सब लोग सुबह से कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है हमारे कैंडिडेट मंसूर अली खान के साथ वो करते हुए घूम रहे हैं। शाम को थोड़ा थकान हो गई कि मंसूर भाई चाय पीना चाह रहे थे, तो मैंने कहा शिवाजी नगर चौक से बढ़िया क्या जगह हो सकती है चाय पीने के लिए। हम लोगों ने सब ने मिलकर इतना बेहतरीन एरिया इसको सजाया है, पूरी रियासत से लोग यहाँ आते हैं रमज़ान में, चाय और हर चीज़ यहाँ की बहुत लजीज, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो मंसूर भाई बोले ठीक है, मेरे लिए भी खुशी की बात है, चलिए चौक चलते हैं, वहाँ मिलते हैं लोगों को, चाय पीते हैं। तो किसी ने कहा मोहब्बत वाली चाय है, तो कांग्रेस मोहब्बत फैलाने वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तो हमने सोचा कि चाय यहाँ पियेंगे और आगे बहुत काम है फिर निकलेंगे। सर, आज कांग्रेस का कुछ रिलीज हुआ है तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, आज इस मुल्क को जो ज़रूरत है, इस मुल्क को भाईचारे की ज़रूरत है, भाईचारे का एजेंडा हमने मैनिफेस्टो में लाया है। इस मुल्क के किसानों को MSP की ज़रूरत है, वो एजेंडा हमने मैनिफेस्टो में लाया है। इस मुल्क के नौजवानों के हाथ को काम देने की बात है, हमने वो एजेंडा मैनिफेस्टो में लाया है। हमने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाएंगे, इसको कमज़ोर होने नहीं देंगे, जो BJP चाहती है कि कमज़ोर करें, वो एजेंडा हमने लाया है। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे मोहब्बत करेगा, कौन किससे शादी करेगा, ये सरकार की या सियासी पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने अपने इन्फिरादी हुकूक हैं जो लोगों को चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए हैं, ये किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं है। हमने लिखा है हमारे मैनिफेस्टो में कि हर एक इंसान का बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई क्यों ना हो, हम सबके हुकूक को के तहफ्फुज करेंगे और सबको फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोचने की, बात करने की जो हमने फ्रीडम दी है, जो आज़ादी दी है, इसको हम मजबूत करेंगे जो आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये इस मुल्क के आम आदमी के लिए राहत देने वाला मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। एक तरफ नफरत फैलाने वाली BJP खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमने हर एक कांग्रेस पार्टी इस समाज को जोड़कर, इस देश को मजबूत कर आगे लेकर जाने का एक अच्छा मैनिफेस्टो दी है और हमें उम्मीद है कि हम जीत कर आएंगे। कि मोहब्बत इसी तरीके से हम पे रही, पिछले बार बहुत बड़ी मार्जिन से हम यहाँ पे जीते, हमारी कोशिश ये है और अपील भी है लोगों से, शिवाजी नगर के आवाम से, जो मोहब्बत आपने मुझ पर दिखाई, जो मोहब्बत कांग्रेस पार्टी को आपने असेंबली में दिखाई, वही मोहब्बत मंसूर अली खान को और कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में भी दिखाइए। ये मेडिकल कॉलेज के पास मैं अपनी गाड़ी से उतरा और मैंने कहा कि मुझे सवेरा टी स्टॉल पे जाना है रिजवान जी से मिलने। आधे घंटे लोग मुझे खाना खिलाते खिलाते यहाँ लेके आ गए और एक एक व्यक्ति ने बोला, मैं इनके मुँह पर नहीं कहना चाहता, रिजवान भाई से मेरा पिछले 20 साल का नाता है, हमने UP में साथ काम करा है 2007 में। एक एक व्यक्ति ने बोला, जब से रिजवान भाई यहाँ पे आए हैं हमारे एरिया की शक्ल बदल गई है। एक साल पहले जब यह काम हो रहा था मैंने वो देखा था, जब यहाँ पे राहुल जी इनके चुनाव प्रचार में आए थे, बारिश के समय मैंने लोगों को यहाँ बैठे हुए देखा था, बारिश होती है तो अधिकांश लोग चले जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा शक्ति, सबके सब लोग इनके काम और इनके प्यार की वजह से बैठे हुए थे। तो जिस तरीके से उन्होंने काम के साथ साथ नाम कमाया है, मैं चाहूंगा उसको वाले बहुत शक्ति दे कि लोगों की सेवा करते हैं। ये जो माहौल है रमजान का, ऐसा माहौल शायद कहीं भी मिलेगा
हिंदुस्तान में ही देखें तो शिवाजी नगर हिंदुस्तान की शान है, और जो रमज़ान यहाँ पर गुजरता है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से सबसे बढ़िया रमज़ान इधर गुजरता है। और रिजवान भाई हमें चाय पीने के लिए सवेरा टी स्टॉल लेके आए, और ये बड़ी हम जब से 20-25 साल से यहाँ आ रहे हैं, आज बहुत साल के बाद आए, थैंक्स टू रिजवान भाई। अभी बहुत सारे टी स्टॉल से जाने सो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, माहौल है। सो मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? जी क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? देखिए रमज़ान का महीना है, भाईचारे का महीना है और अमन का महीना है। सो सब हम सब एक माँ के पूरे बच्चे हैं, सो मिलजुल के रहना है, यही रमज़ान का मैसेज है और सबका मैसेज है।